नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री रेणुका सुगर्स के बारे में। दोस्तों, मैंने जब श्री रेणुका सुगर्स का पिछली बार वीडियो बनाया था, उस समय इसका प्राइस लगभग 5 रुपये था। वहाँ से अब यह स्टॉक लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और अब हम इस कंपनी में क्या संभावना है, उस बारे में भी बात करेंगे। आज हम इसके 3 पैरामीटर्स पर बात करेंगे, हिस्ट्री, फाइनेंस, ओवरव्यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बिजनेस की बात करते हैं। श्री रेणुका सुगर लिमिटेड, आप इसके नाम से ही जान रहे हैं कि ये सुगर से रिलेटेड कंपनी ही है, ये सुगर मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहूँगा कि यह कंपनी डाइवर्सिफाई है। यह कंपनी 4 सेक्टर पर काम करती है। पहला सुगर, जिसके बारे में आपको बताने का ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सेकंड है ये एथेनॉल। दोस्तों, ये सेकंड एथेनॉल के भी ये बिजनेस करती है, जैसे कि इनको जो भी बायोफ्यूल केमिस्ट्री ये से इससे रिलेटेड जो भी रहती है, उसे ये बना के गैसोलाइन के थ्रू इसे ये इसके मैन्युफैक्चरिंग करके इसका ये सेल करती है। जैसे कि इसमें कुछ ऑयल मार्केटिंग हो गया या अल्कोहल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा चीज़ है ये है पावर। दोस्तों, ये पावर से रिलेटेड भी काम करती है, जैसे कि ये पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है और उसे ये स्टेट ग्रिड को सेल करती है। और जो इसका जो चौथा सेक्टर है वो है ऑर्गेनिक मैनर। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी काम करती है, जैसे कि इनका एक भामोदूर ऑर्गेनिक मैनर है जो सॉइल से रिलेटेड काम करती है, जैसे कि सॉइल के में इसको कैसे इरोजन होता है, इसके थ्रू ये कैसे सॉइल में इसका टेस्टिंग करके इसे कैसे उत्पादन के जरिए और ज़्यादा फसल को अच्छा किया जाए, तो उस तरह से ये ऑर्गेनिक मैनर पे काम करती है। तो जनरली ये चार जगह काम करती है, सुगर, एथेनॉल, पावर और ऑर्गेनिक मैनर में। तो दोस्तों, अब हम इसके फाइनेंस की बात करते हैं। तो इसका मौजूदा जो मार्केट कैप है इसका 2500 करोड़ के ऊपर का है। इसका मौजूदा भाव 12 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर हम इस कंपनी की 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 4.20 रुपये का है, 52 वीक हाई इसका 14.70 रुपये का है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो अगर हम इसके पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो इसका क्वार्टर रिजल्ट हमें मिला जुला आ रहा है। जैसे जून वाले में -35 करोड़ का लॉस था, तो यहाँ पर सितंबर वाले क्वार्टर में हमें 105 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और दिसंबर वाले क्वार्टर में हमें 141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अब इसका मार्च वाले क्वार्टर का इसका क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया है, हो सकता है अगले महीने के स्टार्टिंग या इसी महीने के लास्ट तक इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट भी आ जाए। अगर हम इसके पिछले कुछ साल की प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इस कंपनी ने पहले, अगर हम 6-7 साल 5 साल पहले की बात करें, तो यह कंपनी हमें हैवी लॉस करते हुए नज़र आ रहे थे। जैसे कि 2014 में 1400 करोड़ का, 2015 में 1800 करोड़ का, 2016 में 1800 करोड़ का, 2017 में भी 1000 करोड़ के ऊपर का, 18 में 1700 करोड़ का, फिर 2019 में भी 1400 करोड़ का। लेकिन दोस्तों, 2020 में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया और इस कंपनी ने 2000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह कंपनी पहले 5-6 साल तक लगातार हैवी लॉस प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन उसके बाद यह कंपनी टर्नआउट करते हुए इस साल 2020 में इस कंपनी ने अच्छा खासा 2000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कैश रिजर्व की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस कंपनी का जो कैश रिजर्व है, इस कंपनी का कैश रिजर्व हमें माइनस में ही दिख रहा है। जैसे कि 2017 में 3000 करोड़ के ऊपर का था, 2018 में माइनस में 1800 करोड़ का हुआ, फिर 2019 में 3000 करोड़ के ऊपर का माइनस में कैश रिजर्व था, लेकिन 2020 में इसने कैश रिजर्व कम करके 1000 करोड़ का कर लिया है। और 2020 के अभी तक सितंबर क्वार्टर तक इसने -748 करोड़ का कैश रिजर्व है। दोस्तों, तो अगर हम इसके कैश रिजर्व की बात करें तो इसका कैश रिजर्व जो माइनस में था, उस माइनस का गैप को बहुत ही तेज़ी से कम कर रहा है और आने वाले 5 साल में हम कह सकते हैं कि इनका जो कैश रिजर्व है पॉजिटिव में आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसके डेप्ट वाले कॉलम, अगर हम इसकी उधारी वाली कॉलम की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ भी बहुत ही अच्छा खासा काम कर रहा है। 2017-18-19 की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था। इस कंपनी में जैसे 17 में 9000 करोड़ के ऊपर का कर्ज था, 18 में 7000 के ऊपर का कर्ज था, फिर 2019 और 2020 में इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्म करते हुए
2019 में 2000 करोड़ के ऊपर का डेप्ट रखा और फिर उसके बाद वाले में भी 2135 करोड़ का डेप्ट है। अगर हम पिछले 3-4 साल की तुलना बात करें तो अपना डेप्ट को वहाँ से लगभग 75% इन्होंने कम कर दिया है। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनके प्रमोटर के पास अभी लगभग 62% का स्टेक है और पब्लिक के पास 17% का स्टेक है। FIA के पास भी लगभग 1.5% का स्टेक है और DIA के पास 18% के ऊपर का स्टेक है। अगर दोस्तों हम पिछले मार्च से इस मार्च की तुलना करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 4% का स्टेक बढ़ाया है। जैसे कि पिछले मार्च की बात करें तो यहाँ पे उनका 58% स्टेक था, लेकिन यहाँ पे अभी बढ़ के लगभग 62.48% का स्टेक रह गया है। मतलब पिछले साल से इस साल में प्रमोटर्स ने यहाँ लगभग 4% का इजाफा किया है अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो दोस्तों अब हम इसकी ओवरव्यू की बात करते हैं। तो इसने 2019-20 और 2020-21 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम इसकी 19-20 की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे 2000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन 2020-21 की बात करें तो इस कंपनी ने एक क्वार्टर में लॉस, एक क्वार्टर में प्रॉफिट, फिर एक क्वार्टर में लॉस, ऐसा परफॉर्म किया है। मार्च का इसका क्वार्टर रिजल्ट आना बचा हुआ है, लेकिन जो अभी ये जो लॉस भी कर रहे हैं तो हमें उतना ज़्यादा लॉस नहीं कर रहे हैं जैसे कि कुछ साल पहले ये हैवी लॉस कर रही है। तो उस लिहाज से देखा है तो ये कंपनी अभी के समय में, मौजूदा समय में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब दोस्तों इस कंपनी के सामने अभी दो दिक्कत है। सबसे पहला दिक्कत तो है इसका कैश रिजर्व हमें माइनस में दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, पिछले कुछ साल की तुलना करें तो इसका कैश रिजर्व ऑलमोस्ट माइनस से अब पॉजिटिव की ओर हमें आगे कुछ क्वार्टर में हमें पॉजिटिव में बढ़ते हुए देख सकता है। लेकिन दोस्तों साथ ही हम इसकी बोरिंग्स की बात करें तो इस कंपनी ने बोरिंग्स में उधारी अलग कॉलम में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है कि इस कंपनी ने बहुत ही लगभग हम पिछले 4-5 साल की तुलना करें तो वहाँ से लगभग 75% का इन्होंने लॉस कम कर लिया है, मतलब उधारी कम कर लिया है। दोस्तों इसका मौजूदा भाव अभी 12 रुपये चल रहा है, लेकिन इस कंपनी ने जो पिछले एक साल की तुलना करें तो इस कंपनी ने लगभग अपने आप को डबल कर लिया है, लेकिन अब जो इसका 15 रुपये के आसपास आएगा तो हमें यहाँ पर एक हर्डल देखने को मिल सकता है। जब तक ये 15 रुपये का हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हमें यह स्टॉक इसी रेंज बाउंड में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले एक साल में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मतलब शेयर होल्डर के जो भी शेयर्स थे उनका प्राइस को इसने लगभग डबल से भी ज़्यादा कर लिया है। अब लेकिन इसके सामने जो मौजूदा जो स्तर है वो है 15 रुपये का। इसके लिए 15 रुपये का तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर एक जद्दोजहद भी देखने को मिल सकता है। अब हमें पूरा ये चीज़ देखना है कि इसका मार्च का क्वार्टर रिजल्ट कैसे आता है और उसके बाद भी अगला एक साल यह कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। जैसे कि इस कंपनी ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी बहुत ही हैवी लॉस कर रही थी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज से 7-8 साल पहले का हम इसका डेटा देखेंगे तो यह कंपनी बोनस भी देती थी, यह कंपनी डिविडेंड भी पे करती थी, लेकिन समय के साथ आपको पता है दोस्तों शेयर मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। तो इस कंपनी के साथ जो कुछ ऐसा घटा कि इस कंपनी में भारी कर्ज हो गया, फिर उस कर्ज को धीरे धीरे करते हुए अब कुछ एक सिचुएशन में आ रही है कि ये कंपनी आगे जाके कुछ और भी अच्छा कर सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है। अगर हम शुगर फैक्ट्री की बात करें तो ये भी इंडिया की एक लीडिंग कंपनियों में से एक है, और साथ ही साथ इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है। तो ये सबको देखते हुए तो मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में यह कंपनी डेप्ट फ्री भी हो सकती है, कैसे जब प्लस में हो सकता है, और आपको एक बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न भी दे सकता है।